सो है गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का नए ब्लॉग में। और भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि ये लड़का इतने दिन से कहाँ चले गया ब्लॉग ब्लॉग छोड़ के। तो भाई मैं गया था एक सफ़र पे कानपुर, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बिजनेस मीट थी करोड़ों की, और पापा ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं करोड़ों की मीटिंग संभाल सकूँ, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा दिमाग मेरे अंदर है, उसके बाद पापा में और उसके बाद घर की औरतों में। तो भाई मैं गया था वहाँ पे और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो किया नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी करोड़ों की मीटिंग थी, उनके सामने रिकॉर्ड करता तो अच्छा नहीं लगता। और लेकिन मैंने कुछ सीन वहाँ के रिकॉर्ड किया हूँ, ज़्यादा क्लिप नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन कुछ सीन जो है वो रिकॉर्ड किया हूँ वो उसमें डालूंगा। और भाई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, देखते जाओ, क्लिप देखते जाओ, उसके बाद आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते, ठीक है। तो भाई खाना वाना निकाल दिया, अब खाना शुरू करते हैं। और भाई खाना एकदम घर जैसा लग रहा है, मस्त एकदम, क्योंकि घर ही से लाया हूँ। आकर मिलता हूँ। ओके यार, पता है ट्रेन में ना ब्लॉक करने का मन नहीं कर रहा है, और क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा हो रही है कि दिमाग खराब हो रहा है। और भाई ठंडी तो यहाँ बहुत है, ट्रेन में लग नहीं रही थी लेकिन यहाँ पे बहुत है। आगे जाते देखते हैं अभी। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? सो गाइस गाइस गाइस, आ गई अपनी ट्रेन। और अभी अभी देखा मैंने, बड़ी बेकार बोगी लगी हुई है, अभी आगे जाके देखते हैं कैसी क्या है। बाकी बड़े कुत्ते लोग यार यहाँ पे, 10 की चीज़ 15 में बेच रहे हैं, 15 की चीज़ 20 में बेच रहे हैं। घंटा इनका तो पहले से इनको सस्ता मिल गया आता है रेलवे से। अरे कहाँ है मेरी ट्रेन, कहाँ है? और काल है जबलपुर में खड़ी है गाड़ी, अभी भर रही है, जाएंगे तो थोड़ी देर में। ओ आज ये 7:30 बजे आई है, 9 बजे तक लगती छुट्टी। The next day, भाई क्या कह रहा है यार, बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है। ट्रेन के अंदर तो लग ही रही थी, यहाँ बाहर भी बहुत ठंडी है। अब देखते हैं नहाना है कि नहीं, प्लान कैंसिल तो नहीं हो रहा, मंदिर जाना है, नहाना तो पड़ेगा ही, देखते हैं क्या करना है। तो अभी हमारे बन रहे छोले भटूरे, ये चाचा के पास से, चाचा कैमरे पे देख के चाय। टाइम पास वाइम पास करने का कोई है ही नहीं। नहीं आ जाता है यार, और भी आते हैं इधर सब लोग, तो ना वो एकदम चौकीदार उन लोग जो ना काम करने वाले लगे रहते हैं गेट के पास, वही कहते हैं अपना 4:30 तक खोलेगा, तब तक हम लोग वही पा रहे उधर ही अपना बैठो। अच्छा अच्छा, अभी ज्यादा जहाँ खुल जाएगा 4:30 तक तो आ जाना, खुल जाएगा 4:30 तक। और बताओ चाचा कहाँ बेचते हो? ये दुकान में देते हैं, परचून की दुकान वो जो रहती है, मतलब जो मिलती है चीनी की सब मिलती है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। समोसा वोसा ही मिलता है तो उसका, तो ये छोटा ही बनाते हो, इससे बड़े बड़े बनाते हो? इससे बड़े भी बनते। कोई है ही नहीं यार आसपास बात करने वाला, किससे बात करूँ, मैंने सोचा इन्हीं के पास बैठते हैं, यही काम काज ही दिख रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं इनको। देखिए हम लोग खुद 15 साल हो गए नहीं यार। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो क्या आप लोग? बढ़िया है। और यहाँ कहीं आसपास में बिरयानी अच्छी मिलती है क्या? मिलेगी यहाँ से मेन रोड पे मिलेगी, ठीक है। ओके
हाँ ब्लॉगर हूँ ना गाइस। अनजान लोगों से बात करने में को शर्म नहीं आती, यही चीज़ मेरी अच्छी है। बेहतरीन गए उन लोग से बात किया, उन लोग भी बोलते हैं ब्लॉग में आ रहे हो क्या, मैं हाँ खुश हो गए, उन लोग भी बोले ब्लॉग में आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ गंदी है यार, उन लोगों ने चैनल का नाम नहीं पूछा, कम से कम चैनल का नाम पूछना चाहिए था मेरा, कहाँ का रहने वाला ये पूछना चाहिए था, मेरी पहचान लेनी चाहिए थी, फैंस मीटअप हो जाता उसके बाद। लेकिन नहीं पूछे, कोई बात नहीं। बाकी अभी हम लोग हैं कानपुर पे और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कुछ देर पे। क्या हम लोग आए हैं जेके मंदिर घूमने, तो जेके मंदिर घूमने आए हैं तो जेके मंदिर अभी बंद है, कुछ देर बाद जाना होगा वहाँ पे, इसलिए घूम रहा हूँ अभी यहाँ पे, बताता हूँ दो मिनट मेरे को। तो आप यहाँ रोज आती हैं क्या? तो रोज आती हूँ, कोई काम में फंस गए तो नहीं आती। और रोज डालते भी हो गए आप यहाँ पे, आपको पहचानने लगी होंगी है ना? अब पता नहीं भैया, पहचानती नहीं पहचानती। हम ऐसे डाल देते हैं, अपना टहलते हैं आके। हाँ। आज घर के हम ऐसे 11-12 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। एक को नहीं, अभी रुकोगे ना, अभी देखना। हाँ। पूरा खा जाएंगी है ना? हाँ, एक को ना बची। हाँ। The next day. बस स्टॉप। वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से बस मिलती है ना, जबलपुर वो छिंदवाड़ा के लिए बस स्टैंड। भैया लोग जा रहे हैं। कहाँ जाएगा? आईडी आएगा। अरे चल लो भैया, चलो बैठो। कैसे बिठा लेते हो भैया? कहाँ जा रहे? श्रीराम कॉलेज। श्रीराम कॉलेज। हेलो बोलो। हेलो यूट्यूब पे आया है मोबाइल खोलो, तुम्हारा यूट्यूब दिखा दूंगा। चलो सीधे मोबाइल है, सीधे चलो सीधे दिखा दूंगा। ला ला कौन सी मूवी बनाता हूँ? मूवी कौन सी? यूट्यूब पे मूवी आती है ना, वो बनाता हूँ मैं। कौन सी वाली भाई? छोटी मोटी 10-10 मिनट की मूवी। वाह, कहाँ से आप? कहाँ से? हाँ छिंदवाड़ा से हूँ मैं। यहाँ ब्लॉग बनाने आए तो हमारे पे आएगी। क्या नाम से सर्च करना पड़ेगा? एक्सट्रोवर्ट आर्यन। एक्सट्रोवर्ट आर्यन छिंदवाड़ा के लोग डालोगे ना तो आ जाएगा। तो आप यहाँ कौन से ब्लॉग बनाने आए? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यूपी गया था ब्लॉग बनाने, अभी आया हूँ वहाँ से। अब कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग बनाने? सब्सक्राइब कर दो आप। यहाँ जबलपुर में कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर में अब रुकना नहीं, अब छिंदवाड़ा जाना है। यहाँ बनाओगे ब्लॉग? हाँ, ये बन रहा है ना अपना, ये वीडियो बन रही है ना, ब्लॉग बन रहा है। पैसे मिलते हैं सर? डाले हो पैसा मिलता है। महीने का 5 लाख। अरे बाबा, हमको भी करवा दो यार, 5-1 हजार मिलने लगे। हाँ अभी इस साल तो बताओ क्या? नहीं नहीं, शुरू में नहीं मिलते, बहुत टाइम लगता है इसमें। कैसे कैसे करते हैं? और भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अब जबलपुर। सोनू एंड शरद भाई कटनी। ये अभी साथ में आके बैठे ना, मोबाइल है ना इनके पास, तो उसको मैं पता लगा दिया। पता चल जाता है ना, वो देख के पता चल जाता है भाई मेरी वीडियो आ जाएगी ना। आ जाएगी, आ जाएगी। किस पर चलेगी ब्लॉग में? ये मेरे वीडियो पे दिखेगा ना, यूट्यूब पे दिखेगा। यूट्यूब समझते हो? हाँ, यूट्यूब पे। ये मेरे को सब्सक्राइब करेंगे तब मेरे को देखेंगे, ये तब उनको मालूम चलेगा। ये वीडियो डालेंगे हमारे पे लिंक आ जाएगी। हाँ, कौन सी वीडियो कहाँ की डली है तो पता चल जाएगा। क्यों बनाते आप? क्यों बनाते ब्लॉग? नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ, रील्स बनाता हूँ ज्यादा। रील्स सब्सक्राइब कर दिए मेरे को। आपको पैसे मिलते हैं भैया? कैसा आपको पैसे मिलते हैं? अरे छोटे मोटे रील्स सब है यार, देखो ये भी मिलते नहीं, अभी मिलेंगे। नागपुर वगैरह नहीं जाता हूँ मैं, छिंदवाड़ा में रहता हूँ, छिंदवाड़ा में ज्यादा बनाता हूँ। छिंदवाड़ा जानते हो? हाँ जानते हैं भैया। हमको भी बता दो कैसे बनाते। बड़े अच्छे लोग यार जबलपुर में, तो बड़े अच्छे लोग हैं जबलपुर में। हाँ, कितने अच्छे से बात कर रहे थे। बहुत अच्छे। सो भाई ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट का। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मैंने इसलिए डाला क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को कि डाल देना, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इसलिए मैंने डाल दिया।
और जो जो लोग दिखाए गए हैं मेन चीज़ उनको दिखाना था, क्योंकि उनने मेरे को सब्सक्राइब किया, वो देखेंगे अब उनको खुशी होगी इसलिए। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लाइक वगैरह कर देना सब कुछ। जय श्री राम। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन बटन से।